सबसे पहले तो हम जब भी महाधिवेशन होता है तो चर्चा इस पर होती है कि हमने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हमारे दुसम गुरु शिबू सोरेन जी ने और हमारे जो भी हमारे अग्रजों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों ने जिस त्याग बलिदान के साथ इस राज्य का निर्माण कराया और जिस उद्देश्य से निर्माण कराया, वो उद्देश्य हम कैसे प्राप्त करें, सबसे पहला हमारा यही लक्ष्य होता है जब भी महाधिवेशन होते हैं तो। और आप सभी को पता है कि महाधिवेशन हमारा 3 दिनों का होता था, इस बार इसको कोविड को देखते हुए 1 दिन का कर दिया गया है, हमारे डेलीगेट्स की संख्या भी कम कर दी गई है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जो भी प्रक्रियाएं होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए की जाएंगी और विधिवत हमारा जो संगठनिक जो ढांचा है उसको पूरा किया जाएगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।